एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन किया था कि सर अगर कोई लेंदी क्वेश्चन हो तो उसका आंसर किस तरह से दें। उन्होंने मुझे क्वेश्चन दिया था कि व्हाट इज मसल रिलैक्सेंट एंड व्हाट टाइप ऑफ ड्रग वी यूज्ड इन ए पेशेंट व्हेन वी गिविंग एनेस्थीसिया, एंड सेकंड क्वेश्चन उनका था कि व्हाट इज प्री मेडिकेशन, एंड थर्ड इनका क्वेश्चन था इसी में हाउ टू मॉनिटर ए पेशेंट ड्यूरिंग एनेस्थीसिया। सर ये लेंदी क्वेश्चन है, इसको किस तरह से लिखें? तो मैंने उनके लिए नोट्स बनाए, आप देखिए कि बड़े क्वेश्चन का जवाब किस तरीके से देना है। फर्स्ट है मसल रिलैक्सेंट, आपके पास दो तरीके के मसल रिलैक्सेंट होते हैं, एक डीपोलराइजिंग एंड सेकंड इज नॉन डीपोलराइजिंग मसल रिलैक्सेंट। तो आपको समझना है कि डीपोलराइजिंग मसल रिलैक्सेंट क्या है और नॉन डीपोलराइजिंग क्या है। डीपोलराइजिंग मसल रिलैक्सेंट में आपके पास एक ही ड्रग होती है जिसका नाम है स्कोलिन, और नॉन डीपोलराइजिंग में आपके पास अभी तीन ड्रग हैं, एट्राक्यूरेनियम, रोक्यूरेनियम, वैक्यूरेनियम, जो मोस्टली ज़्यादातर कॉमनली अब यूज होती हैं और जिनके बारे में पढ़ाया जाता है। तो फर्स्ट पढ़ते हैं हम डीपोलराइजिंग मसल रिलैक्सेंट के बारे में जिसका नाम है स्कोलिन। इसको हम शॉर्ट एक्टिंग ड्रग भी बोलते हैं, इसका साल्ट नेम है सक्सेनाइल कोलिन। इट इज़ ए पोलराइजिंग मसल रिलैक्सेंट विद ए फास्ट एंड शॉर्ट ड्यूरेशन एक्शन, यानी कि एक डीपोलराइजिंग मसल रिलैक्सेंट है जिसका जो एक्शन टाइम है वो बहुत फास्ट और शॉर्ट है। इट इज़ द मोस्ट कॉमनली यूज मसल रिलैक्सेंट फॉर पासिंग एंडोट्रेकियल ट्यूब, यानी कि आजकल यूज होने वाली मसल रिलैक्सेंट में से कॉमन ड्रग है जो किसी भी मरीज को ट्यूब डालने के लिए हम यूज करते हैं। इट हैज स्पॉन्टेनियस रिकवरी एंड डज नॉट नीड रिवर्सल। जिस भी मरीज को आप स्कोलिन देते हो वो मरीज स्कोलिन के इफेक्ट से अपने आप रिकवर हो जाता है, उसके लिए आपको रिवर्सल की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसकी डोज क्या है? एडल्ट के लिए 0.3 to 1.1 mg पर के जी आई वी, चिल्ड्रन के लिए 1 mg पर के जी आई वी, इन्फेंट्स के लिए 2 mg पर के जी आई वी। न्यूबॉर्न में स्कोलिन नहीं देते हैं, न्यूबॉर्न पेशेंट्स को स्कोलिन नहीं दिया जाता है। प्रिपरेशंस एडल्ट के लिए 2 ml लोड करके रखते हैं, 50 mg/ml की वाइल में, 50 mg/ml आता है वाइल में अवेलेबल होता है, 10 ml की टोटल वाइल होती है, यानी कि टोटल 500 mg, 500 mg अवेलेबल है, यानी कि वाइल में जितनी भी ड्रग होती है उसकी डोज 500 mg है। आपको 100 mg लेना होता है किसी भी एडल्ट पेशेंट के लिए, और देना होता है अकॉर्डिंग टू द कंडीशन और चॉइस ऑफ एनेस्थेटिक। स्कोलिन इज ए मसल रिलैक्सेंट यूज फॉर इंट्रावीनस इन जनरल एनेस्थीसिया टू फैसिलिट ट्रेकियल इंट्यूबेशन, यानी कि आप जनरल एनेस्थीसिया में इस ड्रग को यूज करते हैं एंडोट्रेकियल ट्यूब डालने के लिए। साइड इफेक्ट्स क्या है? जॉयरिडिटी, हाइपोटेंशन, मसल फेस्टिकुलेशन, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, हाई ब्लड पोटेशियम। स्कोलिन देने से आपकी बॉडी में पोटेशियम रिलीज होता है, इसलिए बर्न पेशेंट को नहीं देते। रेसिस, इरेगुलर हार्ट रेट, एक्शन ऑफ टाइम। द इफेक्ट ऑफ दिस मेडिकेशन कैन बी ऑब्जर्व विद इन 30 to 60 seconds, यानी कि आपके देने के 30 से 60 सेकेंड के अंदर इस ड्रग का इफेक्ट आ जाता है। द इफेक्ट ऑफ दिस मेडिसिन लास्ट 4 to 6 minutes, इस दवाई का जो इफेक्ट होता है वो 4 से 6 मिनट या 4 से 10 मिनट के लिए रहता है। डिफरेंट डिफरेंट पेशेंट्स पे डिफरेंट डिफरेंट इसका इफेक्ट टाइम होता है। स्टोर करते हैं 2 से 8 degree टेम्परेचर के बीच में, और बच्चों के लिए, न्यू बॉर्न बेबीज के लिए बिल्कुल भी इसे यूज नहीं किया जाता। सेकेंड ड्रग जो आपकी आती है उसका नाम है वैक्यूरेनियम। इट इज़ यूज टू जनरल एनेस्थीसिया फॉर एंडोट्रेकियल ट्यूब इंट्यूबेशन। इट इज़ मोस्ट कॉमनली यूज ड्रग इन डे टू डे सर्जरी, यानी कि ये भी आपकी एंडोट्रेकियल ट्यूब डालने के काम आता है। डोज है आपकी 0.08 to 0.1 mg पर के जी बॉडी वेट। एक्शन ऑफ टाइम है 1.5 to 2 minutes। इट इज़ हाई अलर्ट ड्रग। साइड इफेक्ट हैं डिफिकल्ट ब्रीथिंग, डिजीनेस, फीवर, स्वेलिंग ऑफ योर फेस एंड टिप्स। इट्स While contain 10 mg powder, it dilute with 10 ml distilled water, then each ml contain 1 mg during after dilution. यानी कि आप उस 10 mg powder के अंदर 10 ml वो distilled water डालोगे तो 1 mg/ml बन जाएगा। इसका action of time होता है 20 से 40 minutes का। एट्राक्यूरेनियम, it is used in general anesthesia to facilitate endotracheal intubation and preoperative एंड प्रोवाइड स्केल्टल मसल रिलैक्सेशन ड्यूरिंग सर्जरी और मैकेनिकल वेंटिलेशन। ये आप भी पेशेंट को एंडोट्रेकियल ट्यूब डालने के काम आती है, और मैकेनिकल वेंटिलेशन में आप इसे देते हैं। डोज है 0.5 mg/kg, इज यूज फॉर इन
इंट्यूबेशन 0.05 to 0.1 mg पर केजी एवरी 10 to 20 मिनट्स। साइड इफेक्ट इसके ईचिंग, विजिंग और शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, हिचकी, स्किन रेडनेस। इट इज आल्सो प्रोड्यूस ब्रोंकियोस्पाज्म एंड हाइपोटेंशन, सो शुड बी यूज केयरफुली इन पेशेंट्स विद ब्रोंको ब्रोंकियल अस्थमा और हाइपोवोलीमिया। ठीक है, ऐसे मरीज में इनको आसानी से या यूज करना है। देन सबसे एडवांस और अच्छी ड्रग रोक्यूरेनियम। इट इज जनरल एनेस्थेटिक ड्रग यूज फॉर रैपिड सीक्वेंस इंट्यूबेशन, जहाँ पे आपको आरएसआई करना है एंड रूटीन ट्रेकियल इंट्यूबेशन। आपको रूटीन ट्रेकियल इंट्यूबेशन जैसे रोजाना आप मरीज को ट्यूब डालते हैं उनमें भी इसे यूज करते हैं। डोज 0.6 mg से पर के जी बॉडी वेट के हिसाब से दिया। ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है 30 to 40 मिनट्स। इंजेक्टेबल सॉल्यूशन, इसकी जो वायल है वो आती है 5 ml में और 10 ml में, 10 mg पर ml के हिसाब से ये आता है। साइड इफेक्ट आपके कफ, डिजिंग, फास्ट एंड। बात करते हैं प्री मेडिकेशन के बारे में कि प्री मेडिकेशन क्या होता है। प्री मेडिकेशन का मतलब होता है वो दवाइयाँ जो किसी भी प्रोसीजर को स्टार्ट करने से पहले दी जाती हैं। ये दो वर्डों से मिलकर बना होता है, प्री और मेडिकेशन। प्री मेडिकेशन का मतलब है प्री पहले और मेडिकेशन दवाई देना। टू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग बिफोर इन ट्रीटमेंट और प्रोसीजर, किसी भी प्रोसीजर से पहले दी जाने वाली दवाइयाँ। इट इज़ यूज टू रिड्यूस द एंजाइटी, ये एंजाइटी फियर, पेन और ओरल सिक्रीशंस को कम करने के लिए दी जाती है। टू रिड्यूस द स्ट्रेस एंड ऑल्सो रिड्यूस द प्री ऑपरेटिव सीवरिंग, इन चीज़ों को दूर करने के लिए आपके मरीज को दी जाती हैं। ड्रग्स यूज इन प्री मेडिकेशन, मोस्ट कॉमनली यूज ड्रग नाउ ए डे ग्लाइकोपायरलेट, एमसेड, फेंटनिन और मिडाजोल। ये मोस्ट एडवांस्ड आजकल जो ड्रग यूज की जाती हैं, लेकिन इनको अब ऑपरेशन थिएटर के अंदर ही दिया जाता है, ऑपरेशन थिएटर के बाहर नहीं दिया जाता। यूज क्या है, डिक्रीज द रिस्क ऑफ एस्पिरेशन एंड निमोनाइटिस, टू रिड्यूस पोस्ट ऑपरेटिव नोजिया एंड वोमिटिंग, टू रिड्यूस द एंजाइटी, इनको दूर करने के लिए इन्हें यूज किया जाता है। आपकी प्री मेडिकेशन हमेशा यूज की जाती है कुछ कॉमन फैक्टर्स को दूर करने के। इससे पिछले वीडियो में हमने सीखा था कि पेशेंट को इंट्यूबेट कैसे करते हैं। उसमें हमने पेशेंट का फेस नहीं दिखाया था क्योंकि पेशेंट ने अपना फेस दिखाने से मना किया था। किसी भी पेशेंट को मॉनिटर अटैच करने से पहले आपके मॉनिटर पर जो स्क्रीन दिखाई देती है वो ये होती है, पेशेंट को इंट्यूबेट करने के बाद जब आप पेशेंट को ट्यूब डाल देते हैं तब किस तरह के पैरामीटर्स आते हैं और आपको किस तरह से पेशेंट की मॉनिटरिंग करनी होती है, आज मैं आपको वो समझाता हूँ। क्योंकि मॉनिटरिंग करना पेशेंट का बहुत ज़रूरी है और आपको हमेशा मॉनिटर की तरफ ध्यान रखना होता है ताकि आपका पेशेंट सेफ रहे और इजीली आप अपने पेशेंट को बिना किसी प्रॉब्लम के एक्सट्यूबेट कर सकें। पेशेंट को इंट्यूबेट करने से पहले सारे मॉनिटर्स अच्छे तरीके से लगाने चाहिए, जैसे ECG है, SpO2 है, BP है, ये सारी चीज़ें लगानी चाहिए। अब देखिए कि हमने पेशेंट को इंट्यूबेट कर दिया है और इंट्यूबेट करने के बाद आपने जो ECG पेशेंट को लगाई हुई है, जो ऊपर ग्रीन कलर में आपको दिख रही है, जिसकी वैल्यू 70 या 71 के आसपास आ रही है, ये आपका नॉर्मल ECG है। इसका जो रेंज है कभी 71 है, कभी 72 है, कभी 73 है। इससे जो नीचे है वो SpO2 है, यानी कि आप जो पेशेंट को वेंटिलेटर के थ्रू ब्रीथ करा रहे हैं उसकी जो वैल्यू आ रही है वो 99 है। इससे नीचे जो आप ग्राफ देख रहे हैं वो ग्राफ आपका ETCO2 ग्राफ है, जिसमें उसकी वैल्यू आपकी 29 है, 30 है। इसके बाद आप इसके जो साइड में वैल्यू देख रहे होंगे, आपको दिख रही होगी जो 50 और 51 लिखी हुई है, ये नाइट्रस और ऑक्सीजन की का रेशो है, जितने पे आपने ऑक्सीजन नाइट्रस को चला के रखा हुआ है। उससे नीचे आप 1.5 देख रहे हैं, आपने CO को डेड पे खोला हुआ है, यानी कि 1.5 पे आपने अपनी CO फ्लोरोन को नीचे ओपन करके रखा हुआ है और मैक वैल्यू है MAC 1.1 चल रही है इस वक्त। देखिए जो आपका MAC मैक आ रहा है वो 1.1 है और NIBP आपका 101.56 है। और जो नीचे आप ये टाइमर देख रहे हैं 1 घंटा 18 मिनट 37 सेकंड जो चल रहे हैं, ये हम पेशेंट को इतनी देर पहले हमने पेशेंट को इंट्यूबेट किया था और ये पेशेंट 1 घंटे 18 मिनट से सर्जरी इसकी
चल रही है। आप यहाँ पे नाइट्रस का भी लाइनिंग देख रहे हैं और सीवो की भी लाइनिंग देख रहे हैं। आजकल एडवांस मॉनिटर आ गए हैं, वो आपको सारी चीज़ें इजीली मॉनिटर पे दिखा देते हैं, और इन्हीं चीज़ों को आपको इजीली मॉनिटर करना होता है ताकि आपका पेशेंट ठीक रहे और आप अपने पेशेंट को आसानी से एक्सट्रुवेट कर सकें। मॉनिटरिंग करना बहुत ज़रूरी है। विदाउट मॉनिटरिंग अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो आपके पेशेंट को कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है। सर्जरी के दौरान आपके पेशेंट का बीपी भी बढ़ सकता है अगर आप समय पर मसल रिलैक्सेशन नहीं देंगे। यानी कि आपकी थोड़ी सी लापरवाही आपके पेशेंट की जान ले सकती है, इसलिए आप ध्यानपूर्वक काम करें। थैंक यू।